सो हेलो एवरी वन ओरो स्मिथ्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं चलिए देखते हैं कैसे रहे रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अमाउंट है ये लाख में है बात करूं मैं टोटल इनकम की आप देखेंगे ये ट्वेंटी लाख ,00 से ट्वेंटी वन लैख हुई है क्वार्टरली बेसिस में ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड से ये ट्वेंटी वन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड हुई है इनकी टोटल इनकम सो ओवरऑल यहाँ पे टोटल इनकम इनकी क्वार्टरली बेसिस में भी एंड ईयरली बेसिस में भी इंक्रीजिंग फेज में रही आगे टोटल एक्सपेंसेस खर्चे आप देखेंगे ये थर्टी लैख से ट्वेंटी वन लैख हुए हैं एंड थर्टी टू लैख से ट्वेंटी वन लैख हुए हैं ओवरऑल खर्चे इनके क्वार्टरली बेसिस में भी एंड ईयरली बेसिस में भी डिक्रीजिंग फेज में रहे सो आगे डायरेक्टली बात कर लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आप देखेंगे यहाँ पर पिछले साल कंपनी टेन लैख के लॉस में थी नाउ वन पॉइंट नाइन फोर के प्रॉफिट में है मतलब वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड के प्रॉफिट इनको इस टाइम पे जनरेट हुआ है क्वार्टरली बेसिस में भी ये इलेवन लैख ,00 के लॉस में थे पिछला क्वार्टर बट नाउ प्रॉफिटेबल है सो so, ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट इनका क्वार्टरली बेसिस में भी एंड ईयरली बेसिस में भी बढ़िया रहा क्योंकि मतलब इस बार इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है एंड अर्निंग पर शेयर तो गाइज यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में एंड ईयरली बेसिस में भी कुछ जनरेट नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट इनको थोड़ा जनरेट हो रहा है एंड पैनी स्टॉक है सो एट योर ओन रिस्क गाइज आप लोग इस शेयर को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करने का सोच सकते हैं